नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। वैसे तो हर चुनाव सियासी दलों के लिए अहम होता है, लेकिन 2024 का चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों के लिए बेहद ही खास है। इसीलिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही मुद्दे एजेंडे सेट होने शुरू हो गए हैं। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के सियासी दल इस बार हर वो दांव आजमाना चाहते हैं जिससे उनकी जीत पक्की हो सके। बात सबसे पहले बीजेपी की। करीब तीन दशक से बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही रही है। अयोध्या के बाद काशी मथुरा का विवाद जिस तरह से उठ रहा है, उसको देख करके कहा जा रहा है कि 2024 में भी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगी, और इसकी वानगी आज अलीगढ़ में देखने को भी मिली। दरअसल पूर्व सीएम कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री अलीगढ़ पहुंचे और कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में अमित शाह और सीएम योगी ने कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट बताते हुए राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका भी याद दिलाई। कल्याण सिंह के सहारे बीजेपी ने हिंदुत्व के अलावा गैर यादव ओबीसी वोटों को लामबंद करने की कोशिश की, यानी 2024 के लिए बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी पर भी फोकस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें ओबीसी समाज के महापुरुषों को याद किया गया और ओबीसी को बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताया गया। आपको यह भी बता दें कि ओबीसी सम्मेलन के सहारे सपा मुखिया करीब 52% वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और दरअसल इस बार अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फैक्टर के सहारे चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं, तो 2024 के लिए हिंदुत्व के सामने पीडीए दांव चला जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 24 में किसका कल्याण होगा। ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सब लोगों ने दबाव बनाया गोलीबार कर गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाए, और बाबूजी ने वो दल जो उनका परिचय कराता है निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, संविधान, लोकतंत्र में जो उनकी हक था, सम्मान था, उसके लिए खड़े हो गए। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर बहस न हो, जानबूझ करके इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी करा रही है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे, तब बाबूजी को भी, उनकी आत्मा को भी असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी। ऐसे लोग जो हमारे सम्मान के दुश्मन हैं, हमारे स्वाभिमान के दुश्मन हैं, हमारे आरक्षण के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों को 2024 के चुनाव में सत्ता से भगाने का काम करना है। ये चार बार की सत्ता में बतावे कि कितना पटेल को हिस्सा दिया, कितना मौर्य को दिया, चौहान को दिया, बिंद को दिया, राजभर को दिया, कितना हिस्सा दिया ये बतावे, और ये भी बतावे कि क्या आने वाले दिनों में कभी पटेल का भी नंबर आएगा, पासवान का भी नंबर आएगा, राजभर का भी आएगा, पाल प्रजापति का भी नंबर आएगा सीएम की कुर्सी के लिए उनके यहाँ। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखा दी और तमाम सवाल आज जो हम इस चर्चा में उठाने वाले हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो आपके सामने रखते हैं, हिंदुत्व वर्सेस पीडीए दाव, किसका कल्याण होगा इससे। वहीं आज का जो दूसरा सवाल है जो चर्चा में हम पूछने वाले हैं, हिंदू गौरव दिवस बीजेपी का 80 पर फोकस। तीसरा सवाल है, पीडीए फैक्टर से जीत होगी फिक्स। वहीं चौथा सवाल है, 2024 की पिच किसका दाव हिट होगा। ये चार सवाल जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दूं, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, दीपक रंजन है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, सचिन रावत है प्रवक्ता कांग्रेस के, सुनील अर्कवंशी है प्रवक्ता सुभासपा से और रुद्र प्रताप दुबे हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। इस चर्चा की शुरुआत अनिला जी सबसे पहले मैं आपसे कर रही हूं। जिस तरीके से आज गृहमंत्री अमित शाह ने भी आक्रामक होकर के तमाम बातों का जिक्र किया और यह दावा किया कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर हम जीत दर्ज कराएंगे, एक
एक रणनीति जो हर पार्टी इस वक्त बनाती दिख रही है वो ये कि किस तरीके से हर समाज को साधना है उत्तर प्रदेश में, अगर 80 की 80 लोकसभा सीट जीतनी है तो कितना कारगर, कितना सफल हो पाएगा। और बीजेपी को लेकर के जो एक छवि बनाने की कोशिश की गई थी कि ये पार्टी सवर्णों की पार्टी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? मेरी सबको राम राम। और देखिए, ये जो छवि विपक्षी दलों के द्वारा जो बिल्कुल गढ़ी गई थी वो तो ध्वस्त हो चुकी। 2014 में भी आपने देखा, एक पिछड़ी जाति का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वो प्रधानमंत्री बने। और आपने देखा भी होगा, अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश की ही बात करती हूँ तो 2014 में, 2017 में, 19 में, 22 में जिस प्रकार से पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, वो अपने आप में बहुत सारी बातें बयान कर देते हैं। यहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है भारतवर्ष में, और मैं अपने उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी योगी को वोट किया है। और यहां पर ये बैठकर आप सोचिए कि कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो जो है सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं, हम सबसे बड़े ओबीसी के फेस हैं। ये बात दूसरी है कि ओबीसी में हम केवल और केवल एक जाति विशेष के लिए कार्य करते हैं, बाकियों के लिए हमें कोई भी मतलब नहीं है, पर हम जो है सबसे बड़े ओबीसी का चेहरा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया साहब ऐसा है कि आप होंगे बहुत बड़े चेहरा समाजवादी पार्टी के लिए। तश्तरी में आपको जरूर मिल गई होगी मुख्यमंत्री का पद, तश्तरी में मिल गया होगा अध्यक्ष का पद, पर वोट जबरदस्ती नहीं डलवा सकते। वोट तो पड़ा है मोदी जी और योगी जी के नाम का, क्योंकि जब हमारी स्कीम्स होती हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं, वो बिना किसी भेदभाव के जो डिजर्व करता है उसके पास वो पहुंचती हैं। ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। कोरोना काल में जिस प्रकार से, चाहे वो गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, जो भी हो, उसके घर में भोजन पहुंचे, उसको घर मिले, उसको बिजली मिले, उसको पानी मिले, उसको वैक्सीन मिले, ये सारी चीजों का जब ध्यान कोई सरकार करती है और कोई माफिया राज ना हो, कोई गुंडागर्दी ना हो, नौकरियों के लिए खेत बेचकर रिश्वत अरेंज ना करनी पड़े, जब ये सारी चीजें जब पब्लिक देखती है तो फिर उसके लिए ये मायने नहीं रह जाता कि भाई आपको यादव जी ही होना पड़ेगा पिछड़ी जाति का अगर नेता आपको बनना है। पिछड़ी जाति ने हमें खूब भरपूर वोट किया है और आगे 2024 में भी खूब भरपूर मात्रा में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। ठीक है, अब मैं रुख कर रही हूँ दीपक रंजन जी का। दीपक जी, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने देखिए इस मंच से कल्याण सिंह का नाम लिया, उस समाज को साधने की भी कोशिश की है, और अनिला सिंह को भी सुना आपने कि कैसे ऑपोजिशन ने एक छवि बनाने की कोशिश की थी, हालांकि वो हद तक सफल नहीं रही, आपसे भी सवाल पूछे गए। इधर ओपी राजभर की तरफ से भी ये अखिलेश यादव से पूछा गया है, समाजवादी पार्टी से पूछा जा रहा है कि क्या कभी इस समाज से किसी को मुख्यमंत्री के लिए वो आगे करेंगे, उस पद पर लेके जाएंगे, कोई ऐसा पोर्टफोलियो देंगे, अगर वो सत्ता में आते हैं तो कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी देंगे, विश्वास कर पाएंगे, या फिर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए, करने के लिए हर समाज का आप लोग जिक्र करते हैं, लेकिन जब बात आता है कि अब उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए तो वहां से पलटी मार लेते हैं। देखिए प्रिया जी, आज सिद्धे कल्याण सिंह जी जो कई बार के मुख्यमंत्री और कई बार के राज्यपाल रहे हैं और हिंदुस्तान में एक बड़ा नाम रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं उनको नमन करता हूं जी। और देखिए कल्याण सिंह जी की आज हिंदू रैली या जो भी कह लीजिए, आज उनके सिद्धा सुमन अर्पित किया, जहां पे केंद्र से लेकर के प्रदेश के बड़े शीर्ष नेतृत्व ने आज हिस्सा लिया वहां पर, और वोट बैंक की राजनीति करने का काम किया कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, बार बार जितने भी वक्ता थे उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी ने जिसने उनको एकदम किनारे लगाने का काम किया था, और एक बार नहीं दो दो बार उनको पार्टी से निकालने का काम किया था। और देखिए रहा सवाल पिछड़े वर्ग से आने हुए व्यक्ति को सम्मान देने का, देखिए समाजवादी पार्टी सदैव सबका सम्मान करती है, और अभी तो देखिए 2024 का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और ये बात सही है कि केंद्र का रास्ता
उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत इंडिया अलायंस के एक मजबूत घटक दल है, तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस की जब केंद्र में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो भागीदारी होगी उसमें पिछड़े भी होंगे, शोषित भी होंगे, वंचित भी होंगे, अल्पसंख्यक भी होंगे, बैकवर्ड भी होंगे, तो निश्चित रूप से उनको भागीदारी देने का काम जो है केंद्र की सरकार करेगी। और अभी 2027 तो बहुत दूर है, अभी तो एनडीए को हम लोग 2024 में ही हम लोग पछाड़ने जा रहे हैं।